Good morning everyone. Myself Bhavta Gupta. Today I am going to tell about pattern for nursery class. आज हम बच्चों को पैटर्न्स के बारे में बताएंगे, लेकिन पैटर्न से पहले हम उनको पेंसिल होल्ड करना बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले नर्सरी के बच्चों को पेंसिल होल्ड करना आना चाहिए। पेंसिल होल्ड करने के लिए हम एक सिंगल पेज देंगे। सिंगल पेज में हम उनको क्रेयॉन्स या पेंसिल के बेस से उनको बताएंगे कि कैसे होल्ड करी जाती है। सबसे पहले हम इस तरह से उनको बताएंगे कि वो थंब और फिंगर के हेल्प से पेंसिल को होल्ड करें, और उसके बाद उनको एक प्लेन पेपर देंगे, उसमें उनको कुछ भी स्क्रिबल करने के लिए देंगे। कुछ भी स्क्रिबल से मतलब है कि कुछ भी उनको आड़े तिरछे इस तरह से कुछ भी उनको बनाने को देंगे। ये प्रैक्टिस उनको 2-3 डेज करनी है। जब ये प्रैक्टिस वो करेंगे तो एक तो क्रेयॉन से करेंगे, उनको इंटरेस्ट भी आएगा, दूसरा वो पेंसिल होल्ड करना सीख जाएंगे। तो 2-3 डेज जब इसकी वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पेंसिल होल्ड करने का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम उनको पैटर्न्स बताएंगे। पैटर्न्स के लिए सबसे पहले हम उनको पैटर्न्स बताएंगे। पैटर्न्स को हम लाइनिंग भी कहते हैं। लाइनिंग 4 तरीके की होती है। फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, सेकंड स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, थर्ड स्लैंटिंग लाइन एंड फोर्थ कर्व लाइन। तो आज हम सबसे पहले उनको स्टैंडिंग लाइन बताएंगे। स्टैंडिंग लाइन हमारी ये ऐसे खड़ी लाइन होती है, ये सिर्फ एकदम स्टैंडिंग सीधी लाइन होती है, इसको हम खड़ी लाइन भी कहते हैं। और ये अप टू डाउन होती है, ऊपर से नीचे को जब हम लाते हैं तो हमारी ये स्टैंडिंग लाइन बनती है। अप टू डाउन, जब हम ऊपर से नीचे को पेंसिल लाएंगे तो हमारी एक कौन सी लाइन होगी, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन सबसे पहले पैटर्न्स में आती है, ये हमारे लेटर नंबर सब में यूज होती है। इसके बाद मैंने कुछ वर्कशीट तैयार की है जो बच्चों को स्टैंडिंग लाइन बनाने में हेल्प करेगी। हमारी फर्स्ट वर्कशीट रहेगी जो थोड़ी पिक्चर्स बनी होगी। इसमें पिक्चर्स भी हमने इसलिए बनाई है जिससे बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और वो अच्छे से इसमें लाइन स्टैंडिंग लाइन बना सकें। सबसे पहले हमने ये 4 डॉट्स रखे हैं। इन 4 डॉट्स के बेस से बच्चे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। सबसे ऊपर डॉट पे पेंसिल रख के फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे, अप टू डाउन करेंगे, और अप टू डाउन करते हुए वो हमारी ये स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। इस तरह से जब बच्चे पूरे डॉट्स को ट्रेस करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और उनका बैलेंस भी पेंसिल पकड़ने का बहुत अच्छे से हो जाएगा, और फिर इसको इंटरेस्ट लेके भी करेंगे क्योंकि इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं। सेकेंड वर्कशीट हमने तैयार करी है जो कि 2 डॉट्स पे है। इसमें मैंने 2 डॉट्स रखे हैं जिससे बच्चे 2 डॉट्स के माध्यम से ये स्टैंडिंग लाइन बनाए। जब ये ऊपर वाले डॉट्स पे पेंसिल रखेंगे और उसको फिर नीचे वाले डॉट से ऐसे टच करेंगे तो वो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और उनके 2 डॉट्स के हेल्प से ये स्टैंडिंग लाइन बनेगी। तो बैलेंस जब उनका अच्छे से बनने लगेगा तो वो 2 डॉट्स की हद से बहुत अच्छे से स्टैंडिंग लाइन बना देंगे। एक मैंने तीसरी वर्कशीट तैयार की है जिसमें सिंगल डॉट्स रखा है। सिंगल डॉट्स से जब वो उनका बैलेंस बहुत अच्छे से बन जाएगा तो वो स्टैंडिंग लाइन सिंगल डॉट से भी बना लेंगे। सिंगल डॉट पे मैंने पेंसिल रखी और उन्हें पता है कि मुझे डाउन की तरफ ले जाना है, और वो इस तरह से जब वो डाउन करेंगे पेंसिल और स्टैंडिंग लाइन उनकी बनने लगेगी। तो इन 3 वर्कशीटों के हेल्प से वो स्टैंडिंग लाइन बनाना सीख जाएंगे, और जब वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्टैंडिंग लाइन पहचान भी जाएंगे। यही मैंने फिर एक चार्ट भी रेडी किया है जिसमें उनको हम सारे पैटर्न्स बताएंगे। इसमें सबसे पहले आज मैंने स्टैंडिंग लाइन सिखाई जो कि अप टू डाउन के बेस से बनती है। तो इस तरह से ये 3 वर्कशीट जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी स्टैंडिंग लाइन अच्छे से बनने लगेगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।